वेलकम बच्चों। और हम लोग जो स्टडी कर रहे थे द हिमालयाज एसएसटी बुक का सेकंड चैप्टर, उसका सेकंड पार्ट लेकर हम एक बार फिर से आप लोग के साथ हैं। आइए सेकंड पार्ट का डिस्कस करते हैं बच्चों। हम लोग जम्मू कश्मीर को फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर रहे थे, हम लोग जम्मू कश्मीर का ज्योग्राफिकल स्टेटस को डिस्कस कर रहे थे। अब आइए हम लोग जम्मू कश्मीर का ऑक्यूपेशंस के बारे में जानते हैं। आपको ऊपर स्क्रीन पे सामने दिख रहा होगा एक सब टाइटल के रूप में ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मीन्स क्या होता है? ऑक्यूपेशन का मतलब होता है पेशा, यानी जीवन जीने के लिए लोग अलग अलग तरह के कार्य करते हैं जिससे उन्हें आमदनी हो, पैसे आए और उससे वो अपनी जीविकोपार्जन कर सकें। तो इसी तरह का हम लोग जो है जम्मू कश्मीर का क्या है पेशा, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। एट फर्स्ट जम्मू कश्मीर का पेशा जो है वो एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज अ मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के लोगों का जो मुख्य पेशा है वो क्या है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मीन्स क्या होता है? कृषि। राइस इज द स्टेपल फूड इन दिस रीजन। इस रीजन का जो मेन स्टेपल फूड है बड़े तौर पे, वैसे तो सारे कुछ खाए जाते हैं, सभी तरह के व्यंजन लोग खाते हैं, लेकिन जो मेन फूड है वो है चावल। फ्रूट ट्रीज लाइक एप्पल्स, पियर्स, चेरीज एंड आर फाउंड इन प्लेंटी बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशन। देखिए जम्मू कश्मीर का जो ज्योग्राफिकल स्टेटस हम लोगों ने स्टडी किया है, उसमें हम लोग वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस को पढ़ा भली भांति कि जम्मू कश्मीर का क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है। तो वहाँ पे काफ़ी अधिक ठंड पड़ती है, तो अधिक ठंड और बर्फबारी के कारण वहाँ की जो फसलें हैं वो भी, यानी खेती है वो भी उसी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग सर्वाइव करती है। यानी हर तरह की खेती जम्मू कश्मीर में नहीं की जा सकती है, इसीलिए कुछ स्पेशल फ्रूट्स ये सब जो हैं जो अधिक ठंड को सर्वाइव कर सकते हैं, ऐसे फलों की वहाँ पे खेती होती है। जैसे सेब, आप लोगों ने सेब खाया है, आप लोग सेब जब भी खाते हैं तो आप कभी ये नोटिस किए कि सेब का पेड़ कहाँ है, सेब कहाँ से आता है? तो बच्चों सेब मुख्यतः ठंड वाले प्रदेशों में अधिक पाई जाती है और वहीं से आता है। हम लोग के यहाँ सेब की खेती पॉसिबल नहीं है, तो सेब का जो उत्पाद है वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में होता है क्योंकि वहाँ पे अधिक ठंड पड़ती है। तो ये है जम्मू कश्मीर में काफ़ी सेब के बागान हैं, वहाँ पे पियर्स हैं, चेरीज हैं, उसके बाद केसर का उत्पाद किया जाता है, और इस तरह से कुल मिलाकर की खेती जो है वो जम्मू कश्मीर का मुख्य ऑक्यूपेशन है, पेशा है, लोगों की जीविका उसी से चलती है। ट्रीज सच एज फर देवदार एंड मैपल आर फाउंड इन अबंडेंस। इसके अलावा कुछ बड़े बड़े जो वृक्ष हैं, जंगली पेड़ हैं, वो सब भी वहाँ बहुत बड़े मात्रा में पाई जाती हैं। जैसे देवदार वृक्ष, देवदार वृक्ष को काफ़ी बड़ा होता है, ये भी जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, जिसकी लकड़ियाँ भी बेची जाती है काट करके, उसके अलग अलग फर्नीचर्स वगैरह बनाने में काम आता है। अब नेक्स्ट देखिए कल्चर, जम्मू कश्मीर का कल्चर कैसा है, वहाँ किस तरह के लोग निवास करते हैं। हिंदुइज्म एंड इस्लाम आर द मेन रिलीजन फॉलोड इन जम्मू एंड कश्मीर। देखिए जम्मू कश्मीर का जो मेन धर्म है वो हिंदू और इस्लाम, मुख्य रूप से यहाँ पे दो धर्मों के अनुयायी रहते हैं, वैसे सभी धर्मों के अनुयायी सभी जगह रहते हैं, लेकिन मेनली क्या है यहाँ पे ज़्यादा संख्या होने के कारण हिंदुइज्म और इस्लाम का डिस्कस किया गया है। धमल एंड रौफ आर डांस फॉर्म ऑफ कश्मीर। देखिए धम्बल और रौफ जो है वो जम्मू कश्मीर का एक ट्रेडिशनल डांस है, यानी कि डांस मीन्स नृत्य। ये लोग अलग अलग उत्सव मनाने के लिए अलग अलग पर्व त्यौहार के मौके पे, शादी विवाह के मौके पे ये लोग इस नृत्य को करते हैं, जिसे धमल और रौफ कहा जाता है। धमल इज परफॉर्म बाई मैन वेयर इज रौफ इज मेनली परफॉर्म बाई वुमेन। देखिए धमल जो है वो मैन यानी कि पुरुषों के द्वारा किया जाता है और रऊफ जो है वो महिलाओं के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। सम ऑफ लैंग्वेज स्पोकन इन जम्मू एंड कश्मीर आर डोगरी, पोंछी, कश्मीरी, उर्दू, हिंदी, पंजाबी एंड इंग्लिश। देखिए कुछ मुख्य भाषाएं यहाँ पे काफ़ी भाषाई विविधता है, यानी कि लैंग्वेज डाइवर्सिटी है। लैंग्वेज डाइवर्सिटी होने के कारण मुख्य रूप से यहाँ पे कई सारी भाषाएं बोली जाती है, और लैंग्वेज डाइवर्सिटी का जो मेन कारण है वो ये है कि भारत खुद में एक बहुत बड़ा डाइवर्सिटी कंट्री है लैंग्वेज के लिहाज से, और कई भाषाएं भारत में बोली जाती है, हर राज्य में अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती है, तो इसलिए जम्मू कश्मीर भारत का एक हिस्सा है
लिहाजा यहाँ पे भी कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं। जम्मू कश्मीर में बोली जाने वाली जो मुख्य भाषाएं वह है डोगरी, पुंछी, कश्मीरी, उर्दू, हिंदी, पंजाबी एंड इंग्लिश। देखिए डोगरी, पुंछी, कश्मीरी जो है यहाँ की मुख्य स्थानीय भाषा है। इसके अलावा उर्दू, उर्दू लगभग भारत में काफ़ी प्रसिद्ध भाषा रहा है, चूँकि इस्लामिक संस्कृति और पर्शियन संस्कृति का छाप इसके संस्कृति पर पड़ता रहा है, जो हिंदी के साथ काफ़ी ये होकर के प्राकृत के साथ, और उर्दू यहाँ कई सारे स्टेट में है, इसलिए उर्दू जम्मू कश्मीर की भी मुख्य भाषा है। इसके अलावा हिंदी भारत की एक प्रसिद्ध भाषा है, राजकीय भाषा है, इसलिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके अलावा पंजाब के साथ बाउंड्री शेयर होने के कारण पंजाबी भी बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग बोलते हैं। उसके बाद इंग्लिश भी मेजर तौर पे, चूँकि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, यहाँ भी बोला जाता है। नेक्स्ट है हम लोग का फेस्टिवल्स। देखिए द कॉमन फेस्टिवल आर ईद, लोहड़ी, बैसाखी एंड नवरात्रि। यहाँ का जो मेन पर्व त्यौहार है वो क्या क्या है, ईद है, लोहड़ी है, बैसाखी है और नवरात्रि है, जो लोग यहाँ पे मनाते हैं। उसके बाद यहाँ का ड्रेस देखिए, फरान इज द कॉमन ड्रेस वर्न बाय बोथ मेन एंड वोमेन इन कश्मीर। देखिए फरान एक यहाँ का कॉमन ड्रेस है जो महिलाएं और पुरुष दोनों समान रूप से पहनते हैं। इट इज लूज फिटेड लॉन्ग गाउन, यह जो है काफी ढीला ढाला लंबा सा गाउन की तरह होता है, लाइक ओवर कोट, यानी जिसे आप घुटने तक का लंबा सा ओवर कोट जो होता है उस तरह का दिखता है। वुमेन्स वियर फरान दैट आर ब्यूटीफुली एम्ब्रॉयडर्ड वाइल फेरन बोर्न बाई मैन आ प्लेन। देखिए महिलाएं जो पहनती है फेरन, उसमें थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी का वर्क किया होता है, यानी कि बॉर्डर पे सिलाई कर करके कढ़ाई करके उस पर थोड़ा सा फूल वगैरह या फिर झूमर वगैरह लगा दिया जाता है, जिसके कारण वो थोड़ी आकर्षक दिखता है। वहीं पुरुष जो पहनते हैं उनका फेरन जो होता है वो प्लेन रहता है, सिंपल, उस पर कोई बहुत ज़्यादा डिजाइन नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए टूरिस्ट प्लेसेस, गुलमर्ग, पहलगाम एंड अमरनाथ टेम्पल आर सम ऑफ द पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। कुछ यहाँ का जो, चूँकि जम्मू कश्मीर अपने आप में, जम्मू कश्मीर का हर एक क्षेत्र ही एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, प्राकृतिक खूबसूरती यहाँ पर अद्भुत है, जिसकी प्रशंसा आकर्षण लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है और पर्यटक खींचे यहाँ चले आते हैं। इसलिए देखिए जम्मू कश्मीर का कुछ मुख्य डेस्टिनेशन गुलमर्ग है, पहलगाम है, अमरनाथ टेम्पल, ये सब कुछ मुख्य डेस्टिनेशन है। वैसे पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर ही अपने आप में अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। डल लेक इन कश्मीर फेमस फॉर इट्स शिकाराज एंड हाउस बोट। उसके बाद जम्मू कश्मीर का जो डल लेक है और शिकारा है, ये सब काफ़ी फेमस है। डल झील जो है उसमें एक विशेष तरह की नाव चलती है, जिस नाव में क्या है कि ऊपर से शेडिंग किया हुआ रहता है और काफ़ी डिजाइनदार उसमें झालर वगैरह लगा दिया जाता है, जिससे वो देखने में काफ़ी आकर्षक घर की तरह दिखता है, जिसे शिकारा या फिर हाउस बोट कहते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट है हम लोग का लद्दाख। लद्दाख का सबसे पहले ज्योग्राफी जानते हैं। लेह इज लार्जेस्ट सिटी एंड कैपिटल। लेह जो है वो लद्दाख का सबसे लार्जेस्ट सिटी कैपिटल है। देखिए लेह लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन वर्ष 2019 में अगस्त में इसे अलग करके और अलग यूटीज बना दिया गया। इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट बौद्धिस्ट कल्चर सेंटर विथ ब्यूटीफुल मॉन्स्ट्रीज। कारगिल इज द सेकेंड लार्जेस्ट टाउन इन लद्दाख। उसके यहाँ का जो इम्पॉर्टेंट रिलीजन है वो बौद्धिस्ट है, यहाँ ज़्यादातर बौद्धिस्ट कल्चर देखने को मिलता है और काफ़ी खूबसूरत मोनेस्ट्रीज है, यानी बौद्ध धर्म से जुड़े हुए स्तूप यहाँ पे काफ़ी है। मोनेस्ट्रीज मतलब क्या होता है, जैसे हिंदू धर्म में आप मंदिर देखे होंगे, मस्जिद देखा होगा इस्लाम का, तो ये सब जो है ये सब धार्मिक केंद्र है। इसी तरह से मोनेस्ट्रीज भी जो है बौद्ध धर्म का एक धार्मिक केंद्र होता है, या फिर इसे आप पूजा स्थल भी कह सकते हैं। करगिल यहाँ का सेकेंड बड़ा जो है वो टाउन है, जहाँ पे युद्ध हुआ था, कारगिल का युद्ध आपने सुना होगा, तो यहाँ का सेकेंड टाउन है। द फेमस सियाचिन ग्लेशियर लाइज इन लद्दाख ओवर लुकिंग चाइना। सियाचिन ग्लेशियर जो है वो भी लद्दाख में ही अवस्थित है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए ऑक्यूपेशन, यहाँ का ऑक्यूपेशन क्या है, यहाँ लोग अपनी जीविका कैसे चलाते हैं, जीने के लिए क्या क्या करते हैं, उन्हें पैसा कहाँ से आता है। लद्दाख इज फेमस फॉर लद्दाख इज फेमस फॉर वूल एंड सैफ्रॉन। लद्दाख जो है यहाँ आप
पे ऊन और सैफ्रून का उत्पाद बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है, इसलिए लद्दाख ऊन और सैफ्रून के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। शॉल मेड फ्रॉम पश्मीना आर फेमस ऑन द वर्ल्ड। लद्दाख के से जो ऊन उत्पाद होता है उसके कई सारे उत्पाद बनाए जाते हैं, जिसमें से पश्मीना शॉल का नाम आपने सुना होगा। ये पश्मीना शॉल अपने गुणवत्ता के लिए संसार में प्रसिद्ध है। पश्मीना इज अ टाइप ऑफ वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कश्मीरी गोट ऑफ द हिमालय रीजन। देखिए ये पश्मीना शॉल कैसे बनता है, तो हिमालयन रीजन में एक विशेष तरह की बकरी पाई जाती है जिसके फर से उसके ऊपर जो बाल होते हैं उसको उतार करके और प्रोसेसिंग करके फिर इसे एक शॉल का एक चादर का शक्ल दिया जाता है, जिसे हम लोग ठंड के दिनों में ओढ़ते हैं। पीपल ऑफ लद्दाख आर वेरी आर्टिस्टिक। लद्दाख के लोग जो हैं वो काफ़ी आर्टिस्टिक होते हैं, काफ़ी कला होती है उनके अंदर, वो काफ़ी अच्छी अच्छी वस्तुएँ हाथों से बनाते हैं सजा करके। देयर एम्ब्रॉयडरी नाइटिंग कारपेट्स एंड पॉटरी आर पॉपुलर थ्रू आउट द कंट्री। देश भर में उनकी एम्ब्रॉयडरी जो है वो काफ़ी तारीफ की जाती है उसकी, देश भर के लोग उसे खरीदते हैं, उसमें अपनी दिलचस्पी दिखाते हैं। और जैसे दरी है, दरी के ऊपर काफ़ी खूबसूरत डिजाइन बनाया हुआ रहता है, पॉटरी है, नाइटिंग है, तरह तरह का जो उत्पाद है उस पर वो हाथों से डिजाइन बनाया करते हैं, जो काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिए यहाँ का कल्चर। मोस्ट ऑफ पीपुल इन लद्दाख आर तिब्बतन बुद्धिस्ट, रेस्ट आर सियाज मुस्लिम। यहाँ पे बौद्धिस्ट आबादी बहुलता से पाई जाती है, यानी कि ज़्यादातर आबादी जो है वो बौद्धिस्ट की है। उसके अलावा सिया मुस्लिम हैं, हिंदू भी रहते हैं, कुछ तिब्बतियन लोग भी रहते हैं। तिब्बतियन यहाँ पे बौद्धिस्ट प्रसार का जो मुख्य कारण है वो है तिब्बतियन लोग, जो कि चाइना से प्रत्यारणा के पश्चात या फिर प्रवासी के रूप में यहाँ आकर के बस गए और उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। यहाँ की जो मुख्य भाषाएँ हैं वो हिंदी, लद्दाखी और कुछ तिब्बतियन, ये सब यहाँ पे मुख्य रूप से बोली जाने वाली भाषाएं हैं। द म्यूजिक ऑफ लद्दाखी बुद्धिस्टिक मोनास्ट्री फेस्टिवल ऑफ्टन इन्वॉल्व्स रिलीजियस चैंटिंग इन तिब्बत एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रिलीजन। देखिए धर्म जो है वो एकता के सूत्र में बंधे रहने का पाठ हमें सिखाता है, तो इस तरह से यहाँ का जो म्यूजिक है और कई सारे धार्मिक फेस्टिवल में इंप्लीमेंट किया जाता है, और धार्मिक फेस्टिवल में लोग यहाँ पे नृत्य गान करते हैं और ये सभी लोगों को एकता के सूत्र में पिरोए रखता है। फेस्टिवल्स यहाँ का पर्व त्यौहार क्या क्या है। दी हेमिज मॉन्स्ट्री ए लीडिंग सेंटर ऑफ द द्रुपका ट्रेडिशन इन बुद्धिज्म। देखिए हेमिज मॉन्स्ट्री जो है वो एक लीडिंग सेंटर है, यानी प्रमुख केंद्र है जहाँ पे कि बौद्धिज्म का यानी बौद्ध धर्म की परंपरा आज भी कायम है, जहाँ पे होल्ड्स एन एनुअल मास्क डांस फेस्टिवल। इस तरह का जो आप देख रहे हैं डांस, ये सब डांस फेस्टिवल वहाँ पे आयोजित किया जाता है। रिलीजियस मास्क डांस आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लद्दाखी कल्चर लाइफ। लद्दाखी कल्चर लाइफ का जो मेन डांस है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे हर छोटे बड़े उत्सव पे ये लोग ये डांस किया करते हैं। ड्रेस कल्चर एंड क्लोथ्स पीपुल ऑफ लद्दाख आर वेरी सिमिलर टू द तिब्बतियंस। यहाँ के लोग तिब्बती संस्कृति के साथ काफ़ी घुले मिले हैं, क्योंकि तिब्बती लोग यहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में रहते हैं। मेन ट्रेडिशनली बियर थीक वूलन रोब कॉल्ड भोजा। यहाँ के पुरुष जो हैं वो ट्रेडिशनली तरीके से एक ऊन से बिना हुआ रोब पहनते हैं जिसे घोंचा कहा जाता है। इट इज टाइड एंड फेस्टेड एट द नेक। गला पे जो है ये काफ़ी बंधा हुआ कसा हुआ होता है, वहीं कमर के पास काफ़ी कलरफुल सॉस इस पे लगाया जाता है, यानी काफ़ी रंग बिरंगा बना दिया जाता है। वुमेन बियर ए रोब सिमिलर टू द घोंचा कॉल्ड कंटोप। महिलाएं जो है वो घोंच की तरह ही ट्रेडिशनल जो वस्त्र पहनती है उसको कंटोप कहा जाता है। इसके अलावा टूरिस्ट प्लेस यहाँ का ले लद्दाख भी काफ़ी अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, संसार भर में पर्यटक केंद्रों के रूप में इसे देखा जाता है। देखिए यहाँ जो है मुख्य अट्रैक्शन लद्दाख आर द झंकार वैली। यहाँ का जो झंकार वैली है, पैंगोंग है, शो लेक है, नुब्रा वैली है, मैग्नेटिक हिल है, चादर ट्रैक है, हेमिज मॉन्स्ट्री है एंड थिक्सी गोम्पा।
ये सारा जो है यहाँ का काफी इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। नेक्स्ट देखिए हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का ज्योग्राफी, हिमाचल प्रदेश इज सिचुएटेड इन द वेस्टर्न हिमालय, हिमाचल जो है वो वेस्टर्न हिमालय में अवस्थित है। इट इज माउंटेन्स स्टेट विथ प्लेनिटी ऑफ नेचुरल ब्यूटी, ये जो है काफ़ी प्राकृतिक खूबसूरती से भरा हुआ एक हिमालयी स्टेट है। इट इज़ वेल नोन हैबिटेट टू द वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स, यहाँ पे कई सारे पशु पक्षी भी निवास करते हैं, इसलिए यहाँ की जैव विविधता जो है वो काफ़ी अच्छी है, उच्च स्तरीय है। द स्टेट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रूट बॉल ऑफ इंडिया, हिमाचल प्रदेश को फ्रूट बॉल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। द स्टेट इज बॉर्डर्ड बाई जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड नॉर्थ हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, ये जो है हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री जहाँ जहाँ शेयर होती है जिसके साथ, उसके बारे में मेंशन किया गया। आप इस पैराग्राफ को अच्छी तरह से पढ़ें, लिख करके आप याद भी करें। नेक्स्ट देखिए कल्चर, पीपल रिजाइडिंग इन हिमाचल प्रदेश आर मेनली ब्राह्मण्स राजपूत गुजर्स एंड गद्दीज, यहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादातर संख्या में ब्राह्मण्स राजपूत गुज्जर और गद्दी जाति के लोग रहते हैं। हिंदी एंड पहाड़ी आर द मोस्ट कॉमन लैंग्वेज स्पोकन इन दिस रीजन, इस रीजन में हिंदी और पहाड़ी मुख्य रूप से बोली जाने वाली भाषाएं हैं। सम ऑफ द पॉपुलर डांसेस फॉर्म आर डलसल, माला डांस एंड अखाज नृत्य, यहाँ का कुछ जो प्रमुख डांस है वो सब है। फेस्टिवल देखिए, ये इनका कल्चरल ड्रेस है बच्चों, इस तरह के ड्रेस ये लोग पहनते हैं। महिलाएं सर पे किस तरह से फेरान रखती है, इसके अलावा पुरुष जो है अलग अलग तरह के टोपी पहनते हैं जिसे हिमाचल कैप के नाम से भी जाना जाता है। दशहरा दिवाली यहाँ का मुख्य त्यौहार है, शिवरात्रि मनाया जाता है बड़े जोशो खरोश के साथ। ड्रेस आप देखिए, लोग यहाँ पे चूड़ीदार कुर्ता पहनते हैं, महिलाएँ इस तरह की ड्रेस पहनते हैं, अलग अलग ड्रेस जो आपके सामने दिख रहा है। महिलाएं स्क्रैच डालती है सर के ऊपर आप, जिससे कि इनका पूरा सर ढका होता है। यहाँ का कुछ टूरिस्ट प्लेस हिमाचल प्रदेश, आपको पिक्चर दिख रहा होगा यहाँ पे, हिमाचल प्रदेश बहुत अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। डलहौजी, कुल्लू, मनाली, ये सब यहाँ का जो है मुख्य पर्यटन केंद्र है। उत्तराखंड, अब हम लोग उत्तराखंड को जाएंगे, इसका ज्योग्राफी देखिए, उत्तराखंड का बॉर्डर यहाँ पे दिया हुआ है हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के साथ इसका बॉर्डर शेयर होता है। वहीं इंटरनेशनली बॉर्डर भी इसका शेयर होता है कुछ, जैसे नेपाल, नेपाल के साथ भी इसका बॉर्डर शेयर होता है। इसका निक नेम जो है वो लैंड्स ऑफ गॉड भी है, अर्थात देवभूमि, देवताओं की भूमि। इसे देवभूमि के रूप में जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ बहुत सारी मंदिरें हैं, बहुत सारा पर्यटन स्थल ऐसा है जो धार्मिक केंद्र भी है, इसलिए इसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड का दो अलग अलग रीजन है, एक कुमाऊं रीजन और एक गढ़वाल रीजन। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दिस स्टेट पार्ट ऑफ ग्रेट हिमालय रेंज, इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है वो ग्रेट हिमालय रेंज में पड़ता है। हेंस द लैंडस्केप इज माउंटेनियस, गंगेज यमुना इंडिया इज टू पेरिनियल रिवर्स स्टार्ट फ्रॉम दिस ग्लेशियर, देखिए यहाँ जो मुख्य रूप से ग्लेशियर है गंगोत्री एंड यमुनोत्री, इस स्टेट का यहीं से भारत की दो सदानीरा नदियाँ बहती हैं, जैसे गंगा है, यमुना है, वो यहीं से बहती है। ऑक्यूपेशन की अगर बात की जाए तो एग्रीकल्चर यहाँ का मुख्य ऑक्यूपेशन है, उसके अलावा काफ़ी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जहाँ पे बहुत सारे मजदूर, बहुत सारे लोग, बहुत सारे प्रोफेशनल्स काम करते हैं। इसके बाद यहाँ का कल्चर देखिए, दी स्टेट रिच कल्चर हेरिटेज एंड ट्रेडिशन, यहाँ का जो स्टेट है उसका एक अलग कल्चर ट्रेडिशन है। द पीपुल ऑफ कुमाऊं आर कॉल्ड कुमाऊनी एंड पीपुल ऑफ गढ़वाल आर कॉल्ड गढ़वाली, यहाँ के लोगों को कुमाऊनी और गढ़वाली के नाम से जानते हैं। जैसे हम लोग यहाँ का ट्रेंड है बिहार में रहने वालों को बिहारी, झारखंडी, इस तरह का नाम देते हैं इस तरह से। म्यूजिक जो है इस राज्य का अभिन्न हिस्सा है, यहाँ का एक कॉमन लैंग्वेज है जैसे हिंदी, गढ़वाली और कुमाऊनी ये लोग बोला करते हैं। इसके अलावा कुछ पर्व त्यौहार यहाँ जो है वो यहाँ का काफ़ी मुख्य त्यौहार है, जैसे बसंत पंचमी, मकर संक्रांति, कुमाऊ होली, ये सब कुंभ मेला भी लगता है हरिद्वार में,
ये सब यहाँ का काफ़ी मुख्य पर्व त्यौहार है। इसके अलावा ड्रेस देखिए तो यहाँ घाघरा, महिलाएं जो है वो घाघरा पहनती है जो एक लंबा सा स्कर्ट की तरह होता है, यानी जैसे आप लोग स्कर्ट पहनते हैं स्कूल का, तो उसी तरह से वो पूरा लंबा होता है जो पूरे पैर तक कवर करता है। ट्रेडिशनल ब्लाउज एंड ओढ़नी, इसके अलावा ट्रेडिशनल ब्लाउज और ओढ़नी होता है, एक कवरिंग ओवर हेड, उसके अलावा हेड को भी कवर किया जाता है, मेन बियर, धोती कुर्ता एंड टर्बन हेड गियर। इसके अलावा पुरुष जो है वो हेड गियर बांधते हैं, यानी सर में गमछे की तरह बांधते हैं और धोती कुर्ता पहनते हैं। यहाँ बहुत सारा टूरिस्ट प्लेस है जैसे नैनीताल, सौनी, पिलग्रिम, हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सब यहाँ का प्रमुख डेस्टिनेशन है। सिक्किम का ज्योग्राफी देखें तो सिक्किम जो है वेस्ट बंगाल के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ इसका बाउंड्री शेयर होता है। ये गोवा के बाद सबसे छोटा स्टेट है। कंचनजंगा जो संसार की सबसे तीसरी ऊंची चोटी है वो सिक्किम में अवस्थित है। यहाँ का जो ऑक्यूपेशन है वो मुख्य रूप से एग्रीकल्चर है। यहाँ का जो मुख्य फसल है यानी कृषि उत्पाद है वो है चावल, आलू, मक्का, इसके अलावा संतरा, ऑरेंज, चाय और इलायची वगैरह भी यहाँ मुख्य रूप से उत्पाद किया जाता है। उसके अलावा यहाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कारपेट, सिल्वर वेयर, मेटल वेयर, वुड वर्क, ये सारा काफ़ी उत्पाद बड़े तौर पे किया जाता है। और ये बम्बू क्राफ्ट के लिए भी सबसे फेमस है। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है वो बम्बू क्राफ्ट। बम्बू क्राफ्ट का मतलब होता है बांस से बनी हुई विभिन्न तरह की आकृतियाँ, जैसे बांस से टोकरी है, बांस का खाट है, बांस से जुड़ा हुआ डेकोरेशन का आइटम है, तो ये सब अलग अलग तरह के ये लोग बना करके बेचते हैं। यहाँ का कल्चर कैसा है? सिक्किम पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड। द थ्री मेन कम्युनिटीज आर द लेप्चा, भूटानीज, भूटियाज और नेपाली। देखिए यहाँ का जो तीन मुख्य कल्चर लोग हैं वो है लेप्चा, भूटिया और नेपाली। ये तीन लोग मुख्य रूप से यहाँ पे निवास करते हैं। ऐसे सभी धर्म, सभी संप्रदाय के लोग यहाँ पे रहते हैं। फेस्टिवल, सिक्किमीज सेलिब्रेट मोस्ट ऑफ द हिंदू फेस्टिवल लाइक मेघी संस्कृति, दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा, रामनवमी, ये सब जो यहाँ का मुख्य पर्व है। इसके अलावा जो तिब्बती नववर्ष है, तिब्बती लोगों का नववर्ष है जिसको लोहसार कहते हैं, वो भी यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन वहाँ का जो स्थानीय ऑफिस है, वहाँ का जो स्कूल इंस्टीट्यूशंस है, वो सभी हॉलीडे सेलिब्रेट करते हैं तिब्बती नववर्ष को भी, या और जो दूसरे पर्व त्यौहार होते हैं उस दिन। यहाँ का ड्रेस देखिए, जो लेप्चा पुरुष होते हैं वो ठोकरो डाम पहनते हैं जो ट्रेडिशनल ड्रेस है, वहीं महिलाएं धामवाम और दामद्याम पहनती हैं। बखू इज ट्रेडिशनल ड्रेसेज ऑफ भूटिया। बखू जो है भूटिया का ट्रेडिशनल ड्रेस है, नेपाली मैन बियर, सुरवल, चूड़ीदार पैजामा, वहीं नेपाली पुरुष जो है वो पैजामा पहनते हैं जो चूड़ीदार होता है। आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं लेप्चा ड्रेस, नेपाली ड्रेस, तो ये सब है। ये नेपाली ड्रेस है, नीचे मेंशन किया हुआ है। अब देखिए कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है। सिक्किम वैसे काफ़ी खूबसूरत जगह है, यानी हिमालयी स्टेट, जितना भी हिमालय स्टेट है सभी नेचुरल खूबसूरती से पटा हुआ है, सभी नेचुरल खूबसूरती से भरा हुआ है। इस तरह से सिक्किम भी है। बींग ए हिली रीजन, यहाँ पहाड़ी एरिया होने के कारण सिक्किम काफ़ी मैजेस्टिक माउंटेन्स, पिक्चरस्क वैली, देयर आर मेनी फेमस मॉन्स्ट्रीज इन सिक्किम। सिक्किम में बहुत सारा प्रसिद्ध मॉन्स्ट्री भी है। रामटेक इज लार्जेस्ट पिमगेंज मॉन्स्ट्री इज द ओल्डेस्ट मॉन्स्ट्री इन सिक्किम। सिक्किम का ये ओल्डेस्ट मॉन्स्ट्री है। सोमगो लेक इज वन ऑफ द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन। इसके अलावा सोमगो लेक जो है ये सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है, यानी कि पर्यटन केंद्र के रूप में ये जाना जाता है। पीलिंग इज अ टाउन ऑफ सिक्किम फ्रॉम वेयर हिमालयज एंड कंचनजंगा कैन बी व्यू एट क्लोज क्वार्टर्स। यहाँ से कंचनजंगा काफ़ी क्लोजली देखा जा सकता है। बच्चों इस तरह से हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपको यहाँ पे कुछ समरीज दिखाई दे रहे होंगे, आप
समरी को ध्यान से स्टडी करें, इसको राइट डाउन कर ले, इसको नोट कर ले कॉपी पे और अच्छे तरीके से याद करें। हमें उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आई। अगर समझ में नहीं आ रहा है, आप इस चैप्टर को एक बार पुनः खुद भी पूरा रिवीजन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, वो ज़रूर समझ में आएगा। फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, आप उसको अंडरलाइन करके रखेंगे। आप जब स्कूल खुलेगी दोबारा लॉकडाउन के बाद, तो हम लोग इस चैप्टर को डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा आपके नीचे स्क्रीन पे एक्सरसाइज दिख रहा होगा, आप इस एक्सरसाइज को भी खुद से करने की कोशिश करेंगे। हमें उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज को आप काफ़ी आसानी से कर लेंगे। इसके अलावा आप इस चैप्टर का जो असाइनमेंट दिया जाता है उसको भी अच्छे तरीके से करें। असाइनमेंट आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। इसके अलावा असाइनमेंट को हम डिस्कस भी कर देंगे एक वीडियो में। चलिए, अब इसी के साथ हम फिर अगले चैप्टर के साथ आप लोगों के बीच आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।